अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी पापड़ी चाट या कटोरी चाट। पापड़ी ही होती है बेसिकली, हमने शेप इसको कटोरी का दे दिया होता है। बड़ी मज़े की ये अट्रैक्टिव सी प्रेजेंटेशन लगती है इस तरह की चाट की। तो चलें पहले पापड़ी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। 1 कप मैदा है, 2 टीस्पून ऑयल है और नमक है। इनको मैं हार्ड सा डो बनाऊँगी ताकि ये जो है पापड़ी कड़क जब बनती है जब इसका मैदा जो है अच्छा सा सख्त गुंदा हुआ हो। अच्छा, तो बस अब मैंने इसको सादे पानी से गूंद लिया है, कोई ल्यूक वार्म वाटर नहीं है। बस इसको मैं इसी तरह से मसल मसल के और इसको डो की शक्ल दे लूँगी और इसको मैं 30 मिनट का रेस्ट दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसके पापड़ी के वो बनाने शुरू करूँगी, कटोरी के पेड़े। तो ये मैंने कटोरी ले ली है एक स्टील की, और ये मैं पापड़ी मैंने इसमें से ये मेरे 6 5 बने हैं और जो कटिंग्स निकली थी उसकी एक और बन गई थी, तो 6 टोटल मेरी ये कटोरियाँ बनी थी। इस तरह मैंने ये जो है अपनी एक जो मेरे पास शेप है कटोरी का उसके बराबर मैंने ये बेल ली रोटी पेड़ा। और अब मैं ये कांटे से इसको पोक कर रही हूँ ताकि ये फूले ना, बल्कि ये उसकी इर्द गिर्द चिपका ही रहे कटोरी के। ये कटोरी मैंने ले ली है, स्टील की कटोरी ले लीजिए और उसके ऊपर इस तरीके से ये प्लेस कर दें बेल के। मोटा और पतला आपके हाथ में है, आप इसको कितना पतला और कितना मोटा चाहते हैं रखना। मैंने दरमियाना सी रखी है बिल्कुल इसकी जो जो भी मोटाई है। और इस तरह से अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ अंदर की तरफ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है ये मुझे काट के निकाल देना है। और जो ये 5ों के एक्स्ट्रा निकलेंगे उनकी एक और कटोरी बन गई थी मेरी, तो तकरीबन 6 बनी थी, तकरीबन क्या 6 ही बनी थी मेरी ये कटोरियाँ 1 कप मैदे से। तो ये देखे मैंने इस तरह से इसको प्लेस कर दिया इसके ऊपर, अच्छी तरह से चिपका देना ताकि ये अपना शेप फिर तेल में ले ले। जब तक उसकी शेप नहीं आएगी ये कटोरी को नहीं छोड़ेगी। इस तरह से एक्स्ट्रा निकालते जाएं छुरी की मदद से। और बस मैंने तेल रख दिया है गर्म होने को। तेल को जो है पहले लो मीडियम फ्लेम पे रखिएगा ताकि उसमें सिर्फ हीट आ जाए, उसमें बॉइलिंग पॉइंट ना आए उसका, वरना फिर ये एकदम से कलर आ जाएगा और ये निकलेगी नहीं और ये जल के ख़राब हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये छोड़ेगा मैदा इसको कटोरी को इसको, और फिर ये अपना शेप बरकरार करेगी। तो इस तरह से हल्के हाथों से तेल इसके गिर्द आगे पीछे डालते जाएँ, थोड़ा सा इसको दबाएँ ताकि ये नीचे को भी चला जाए तेल में डूबे। और फिर ये देखें आहिस्ता आहिस्ता मैं तेल डाल, तो ये अपनी जगह छोड़ रहा है मैदा। और ये इसी तरह से करते करते जब हमारा ये दो चारों तरफ से निकल जाएगा तो फिर हम कटोरी को किसी भी चिमटे की मदद से या किसी भी चीज़ से पकड़ के उसको ऊपर कर लेंगे। लेकिन बहुत ध्यान से सेफ्टी मेजर्स को रखिएगा ध्यान में, क्योंकि तेल बहुत गर्म है और स्टील की कटोरी चूँकि ये है तो ये भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही होती है। तो देख के ज़रा ध्यान से आराम आराम से बिस्मिल्लाह पढ़ के निकालिए। और इस तरह से आप देखें ये नीचे से तो सिक चुकी है, अंदर से ये अभी सही से इसका कलर नहीं आया। तो अब इसको हम हल्का सा कलर देंगे, तो पलट के बस इसको ऐसा कलर दे लेंगे गोल्डन कलर हो। बहुत ज़्यादा गहरा रंग मुझे तो पसंद नहीं आता पापड़ी का, मुझे थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी सिकी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जैसा भी कलर देना चाहें। तो ये देखिए ये इस तरह से ऊपर तो प्यारा सा कलर आ चुका है, अंदर भी हमारा जब ये डिज़ायर हमारा कलर आ गया तो हमने अब इसको छलनी में डाल के और इसको उल्टा करके निकाल देना है, तेल पूरा निकाल देना है एक्सेस, वरना ये कड़क नहीं होगी, ये पापड़ी की तरह नरम और सौगी हो जाएगी जब इसमें हम चीज़ें डालेंगे। चाट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। उबले हुए चने हैं ये मेरे पास, मर्ज़ी है आप जितने क्वांटिटी रख लें, आलू प्याज टमाटर हरा धनिया पुदीना हरी मिर्चें जो चाट की चीज़ें डालती हैं इसमें वो चीज़ें डाल लें। लेकिन इसमें चटनी और दही मत डालिएगा अभी, बस इसमें जो है ये अभी मैंने तमाम चीज़ें ये डाल दी हैं चाट की, उबले हुए आलू और ये सब चीज़ें। और अब मैं इसमें नमक और चाट मसाला डालूँगी खाली, और चाहें तो आपको टीवी लाल मिर्च डाल लीजिए। तो ये बस हमारी चाट रेडी हो गई। अब हम जब इसकी प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे कटोरी में, जब हम ये चाट डालेंगे फिर हम ऊपर से दही और चटनियाँ डालेंगे। एक मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, इसकी रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पे, और एक मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई है सौंठ के फ्लेवर वाली, जिंजर फ्लेवर वाली, वो बहुत मज़े की लगती है खट्टी मीठी चटनी इमली की, वो भी आप बना के देखिएगा, उसकी चैनल पर भी मेरी रेसिपी मौजूद है। तो ये आप इस तरीके से इसमें डालते जाएँ, और चटनी और हरी चटनी दोनों को ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हरी चटनी में भी मैंने खटास लीमू का इस्तेमाल किया है और इमली की चटनी भी काफ़ी खट्टी है, मीठी भी है लेकिन खट्टी भी है, तो कहीं बहुत एक्स्ट्रा ना हो जाए, इसलिए ध्यान से डालिएगा, अकॉर्डिंग योर टेस्ट होना चाहिए सारी चीज़ें। और बहुत ज़्यादा खट्टा भी फिर अच्छा नहीं लगता। ये मैंने मीठा दही बनाया हुआ है, बस इसमें हल्का सा नमक और शक्कर डाल के दही को फेंट लिया, और कुछ भी नहीं है। और ये देखिए मेरी खट्टी मीठी चटनी आ गई,
थोड़ी थोड़ी सी, बिल्कुल ज़रा ज़रा सी, और आप चाहें तो इसको जितना ज़्यादा भर सकें ऊपर तक भर लें, कम करें, या आपके ऊपर है। ज़्यादा वैसे मैं ना भरा हुआ पसंद नहीं करती, क्योंकि फिर अगर कोई ना खाए तो वो बच जाए तो फिर वो ज़ाया होती है चीज़। अब मैंने इसके ऊपर ये टमाटर, धनिया, पुदीना ऊपर से एक्स्ट्रा थोड़ा सा डाला, और अब मैं पापड़ी डाल रही हूँ। पापड़ी की वैसे ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पापड़ी ही के अंदर है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तो प्रेजेंटेशन के लिए हमने डालनी थी। आप चाहें तो सेव या मिक्स जो आता है नीमको वो भी डाल सकते हैं, उससे भी ये बहुत क्रंच इसमें अच्छा मज़े का बन जाता है। तो जी ये रेडी हो गई हमारी अफ्तार की एक अच्छी सी रेसिपी। आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज़।